नववर्ष के पहले दिन मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में लगा भक्तों का तांता हुआ दर्शन पूजन। विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में साल के पहले दिन दर्शन पूजन के लिए और मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। ठंड और कोहरे के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु विंध्याचल मां का दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। यूपी के मिर्जापुर में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में आज नौ वर्ष के पहले दिन भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचकर मां का दर्शन पूजन किए। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ी। मंदिर के बाहर दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। आज साल के पहले दिन देश भर से लोग विंध्याचल दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। बिहार के पटना से आए माँ के भक्तों ने बताया कि साल के पहले दिन दर्शन पूजन के लिए वो माँ के दरबार में जरूर पहुँचते हुए और आज भी वो आए और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से दर्शन और पूजन हुआ। पटना से साल के पहले दिन दर्शन करने का क्या? ये ऐसा मैं कोई प्लान नहीं था, अचानक मुझे बोला कि तुम्हारा टिकट बन चुका है तुम चलो। हाँ। अचानक हुआ 8:30 बजे अचानक कॉल आया कि तुम्हारा टिकट कंफर्म चलो। तुम माँ ने बुलाया? माँ का बुलावा है तो आ गए। ठंड भी है यार, ठंड में आज कोई उत्तर दिक्कत नहीं है, जैसा था सुबह वैसा दिक्कत नहीं है। काफी अधिक है, काफी भीड़ है। दर्शन हुए अच्छे से हुए? क्या दर्शन पूजन किया आपने? मैं झारखंड दुमका से आए हैं, बाबा नगरी से देवघर से हम लोग आए हैं। हम लोग चल के आए हैं, हम लोग कल से निकले हुए हैं। कल दिन भर ट्रेन, रात भर ट्रेन, आज सुबह हम माँ के दरबार में आए और माँ का इतना अच्छा दर्शन हुआ। आज साल का पहला दिन है, माँ सभी का मंगल कामना पूर्ण करे और सब यही उम्मीद लेके माता के दरबार में हम आए हैं कि माँ सभी का मनोकामना पूरा करे। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्याचल में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को लगाया गया है और साथ ही बैरिकेटिंग के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काफी भीड़ है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे सकुशल दर्शन पूजन? जैसा कि जब से ये विंध्याचल कॉरिडोर बना है तब से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसी वजह से हमारे जिलाधिकारी महोदय श्रीमती प्रियंका निरंजन मैडम ने और कप्तान साहब ने मिल करके एक रणनीति बनाई कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त ड्यूटी लगा करके और सेक्टर जोनल प्लान को पुनः लागू करते हुए बैरिकेटिंग्स वगैरह लगा दी गई हैं, ताकि जो है ये जो भीड़ आ रही है पूरे शहर में गाड़ियों की भरमार हो गई है तो कहीं शहर में जाम ना हो, हमारे स्थानीय लोगों को न दिक्कत हो, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए काफ़ी मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस लगाई गई है। तो इंतजाम कैसे किए गए हैं? यहाँ पे भीड़ काफ़ी अधिक है, ऐसे में भीड़ के लिए हाँ दर्शन के यही है कि हमारे यहाँ 4 गलियों से लोग आ रहे हैं और सब जगह से बैरिकेड करा करके उन्हें मंदिर के गर्भगृह तक लाया जा रहा है और एक झांकी दर्शन हो रहा है। तो वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी लोग दर्शन करें, अच्छे से वहाँ को प्रणाम करें, अपनी आराधना करें और उसके बाद फिर निकलें और फिर इस पूरे परिसर को खाली करने और गली के अंत तक ले जाने के लिए भी हमारे मतलब पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है कि वो उन्हें क्यूइंग करके वहाँ से मंदिर के अंदर लाना और यहाँ से उनको बाहर की ओर ले जाना। सर ये साल का पहला दिन है, ऐसे में उम्मीद है आप लोगों की पूरे दिन भीड़ रहेगी? ये अब भीड़ जिस तरीके से हो रहा है, भीड़ तो पहले की तुलना में आप जानते हैं कि बड़ी है। अब जितनी आज भीड़ है उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन अन्य सालों की तुलना में इस साल भीड़ ज़्यादा रहने की संभावना है क्योंकि अब कॉरिडोर भी कंप्लीट होने की स्थिति में। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।